So good morning to all of you. So first of all, thank you very much that you give a great appreciation to the last video which we make on the syllabus as well as books which are important for the master grader. So thank you very much. So I hope that you give that type of appreciation to this video also. So this thing motivates me to make more and more videos. So today we discuss about the Elizabethan age. So mostly jede apa group de vich apne WhatsApp de vich apa mostly views lae si unna de vich literature related hi jyada views aaye si phonetics de vich kaka aaye si ke wo baad de vich karange. So as per your views we start the literature. So Elizabethan age main construct kar rahe hain as edi age first hai. So after that Elizabethan then others then Indian writers honge. Yeah, so उस करके आप जी एजस स्टार्ट कर रहे हैं. सो यी एजस है राइटर्स की डेट की है वो थोड़े लिए ईजी होंगे लर्न करने. सो इस करके मैं डायरैक्टली इंडियन राइटर्स से नहीं जा रहा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि उन्होंने फर्स्ट के उपर इंडियन राइटर देते हैं. सो इस तरह मैं नहीं जा रहा. रीजन की है कि जीडिया डेट्स है दैट इज डिफिकल्ट टू लर्न जो आप एकदम एज इंडियन राइटर्स से चले जावे. सो ये अकॉर्डिंग एज डेट्स है जो चलन गई जिस तरह 15 तो स्टार्ट होकर 20th सेंचुरी तक ही चलते हैं. So above as a sequence the according above discuss karte jaawange. So now we start as Elizabethan period. So short view de rahe hain Elizabethan period they are related first of all, but as apa ek special videos prepare karunga main jide vich apa specially jehdiyan ages hai unna de trends hai unna vich kehdiyan movements chaliyan ne which are the important on the point of view of exam unna nu explain karange. But ede vich apa jehda as thoda jiha view deunga main कि जो आप एज एडमंड स्पेंसर या शेक्सपीयर या एज क्रिस्टोफर मार्लो जो स्टार्ट करा जो हेल्पफुल होगा. सो नाउ वी स्टार्ट द वीडियो. सो हियर एलिजाबेथन पीरियड. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजाबेथन पीरियड एलिजाबेथन पीरियड. सो ये नेम तो ही सानू एज क्लीयर हो रहा है क्योंकि जी एजस दिखाई ने उन्होंने जेडे एज दैट टाइम ऑफ किंग्स है ज क्वीनस है उन्होंने नेम्स के अकॉर्डिंग दिखाई गई हैं. सो ये भी जो रीजन है वो जो एलिजाबेथन ने जो टाइम का एलिजाबेथन एलिजाबेथ वन के टाइम का जोड़ा एज उन्हों का टाइम पीरियड से पावर का जब उन्होंने राज किया उस पीरियड में एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है. सो इस पीरियड की जो असं एज देखिए कि कद तो कद तक है ये पीरियड है जो एज 1550 तो 1515 to 1603 तक चलता है. अंडरस्टैंड. सो ये जो आप ट्रेंड्स देखिए कि एडमंड स्पेंसर है शेक्सपीयर है दैन क्रिस्टोफर मार्लो है जो थ्री राइटर्स है एलिजाबेथन के रिलेटेड. सो उन्होंने जो असं देखिए कि बेस्ट एज ट्रेंड्स यूज किए गए हैं उन्होंने आप डिस्कस करिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज एज लिटरेरी ट्रेंड्स की आप देखिए लिटरेरी ट्रेंड्स सिगे उन्हें देख जेड़ा सारे ना वो एस इम्पोर्टेंट सिगा मेन सिगा दैट इज सोनेट. सोनेट है जेड़ा इज अ फॉर्म ऑफ पोइम है. यू ऑल नो के 14 लाइन की पोइम है. सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी लाइंस इन द सोनेट. सो थले ऑप्शंस होंगे 10 12 14. सो जेड़ा एस 12 लाइन की जेड़ी है पोइम है दैट इज सोनेट. सो डिफरेंट डिफरेंट सोनेट्स होंगे आप जी मैं तुम्हें इस ट्रेंड्स रिलेटेड जी स्पेशल वीडियो आप प्रिपेयर करा उस मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शेक्सपीयरियन सोनेट की है पेट्रार्कियन सोनेट की है दैन एज अ स्पेंसेरियन सोनेट की है. सो ये तो बाद सोनेट तो बाद एज सारे ना जो इंपॉर्टेंट रहता दैट इज ड्रामा ड्रामा जो प्ले कह सकते. सो ड्रामा और प्ले समझते हो कि एज शेक्सपीयर है जो दैट इज फेमस वर्ल्ड फेमस फॉर द प्लेज नियर अबाउट 37 की रोड द प्लेज दियर. सो दिस इज मेन ट्रेंड इन दिस एज. सो नेक्स्ट इज एज लिरिक 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 मीन्स अ सॉन्ग ठीक है शॉर्ट सॉन्ग. बट एज इस सारे ना इंपॉर्टेंट रह जाता जो अज असं डिस्कस कर जा रहे हैं स्पेंसर दे रिलेटेड वो एडमंड स्पेंसर ने राइट की है फेरी क्वीन. सो दैट इज ऑल्सो लिरिक बट मोस्टली मैं पहला तो जिस तरह क्या कि जो लिरिक है दैट इज शॉर्ट पोइम.
बट इट इज एज अ फेरी क्वीन है दैट इज अ लॉन्ग. सो एक थोड़ा जहा डिफरेंट थिंग है बट उसके विच स्पेंसेरियन स्टैंजा यूज किया गया. स्पेंसेरियन स्टैंजा ठीक है तो उसके विच वो यूज किया गया. सो स्पेंसेरियन स्टैंजा भी इसके विच काफी फेमस रहा था. सो एज ये तो हो गया अपना एलिजाबेथन एज के विच जेडियां थिंग्स एज इंपॉर्टेंट है दोज ऑल वी एक्सप्लेन हियर. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टुडेज पोएट दैट इज एडमंड स्पेंसर. सो एडमंड स्पेंसर Edmund Spencer की जो असं एज देखिए सो क्योंकि जो क्वेश्चन है वो मेनली टू टू फोर क्वेश्चन है जो एज एजस के रिलेटड आते हैं. सो बर्थ प्लेस की एज के रिलेटड वन और टू क्वेश्चन मोस्टली सैट किए जाते हैं क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर के. सो जी एज Edmund Spencer की एज है वो कई की कहते हैं 1552 to 1599. जिस तरह मतलब एज स्टार्टिंग दे विच ही क्या है कि एजेस नू जे अपना सीक्वेंस वाइज राइटर्स नू करांगे तो एजेस लर्न करने तो आडे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होने. सो जिस तरह शेक्सपियर है ठीक है 64 है एज. देन क्रिस्टोफर मार्लो दैट इज सेम 64. सो इस तरह उन्होंने जी एजेस है जिस तरह मैं तुम्हें कहा कि 1564 सेम है शेक्सपियर की भी शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो दोनों की जी बर्थ डेट है दैट इज सेम. सो इस करके जो बर्थ है वो तो ईजी हो जाए लर्न करने के लिए. सो ये एज 52 है फिर 64 है टू ही डेट्स है जो माइंड के रखोगे ट्रिक के थ्रू रख लो कि टू डेट्स ही है माइंड के रखनी है ठीक है. दिस इज एज 52 सो दैट इज 64. सो शेक्सपियर के 66 ज्यादा आना है ठीक है. 1564 उसकी बर्थ है दैन डाई की है 1616 सो दैट इज. सो इस तरह इस ट्रिक के नाल भी तुसीं उसनूं लर्न कर सकते हैं बट ट्रिक्स के नाल भी इस चीज़ों को एक्सप्लेन करांगे. सो नैक्सट इज एज Edmund Spencer के जिहड़े एज जे आपां देखिए कि इहदे रिलेटड एज एक बेन जॉनसन की एज वेरी कंडेमनेबल लाइन उन्हें यूज की सी मोस्टली. सो वो इस बेन जॉनसन के लिए यूज करता है ही डाइड फॉर वॉन्ट ऑफ ब्रेड. सो इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन के विच सेट हो जाते इस करके मैं इसको राइट किया. किने राइट की है बेन जॉनसन. बेन जॉनसन द्वारा जी लाइन है ये राइट की गई है ठीक है. सो इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए मेरे माइंड के स्टार्टिंग के आप डिस्कस किया जाए. सो इस करके जो एज Edmund Spencer है यदा जो आप एज बर्थ प्लेस देखिए then that is as Smithfield ठीक है. so इस तरह जे आपा birthplace दी गल करते हैं so that is as Smithfield. so तुहानू as इहदे रिलेटेड तुहानू पता ही होना ठीक है. as birthplace आपा जे राइट कर देना मैं तुहानू Smithfield sometimes birthplace भी पूछा जा सकता है. so but important की है born date है जिहड़ी that is most important in it. सो हुण आपां जे आपां वर्क्स की गल करिए क्योंकि मेनली अपने जिहड़े वर्क्स है उहदे उपर ज़्यादा सेट हुंदा पेपर ठीक है. 120 दे नियर वर्क्स नाल रिलेटेड क्वेश्चन आउंदे आ ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़े तां सारे नालों एज इंपोर्टेंट टू वर्क्स है पहला उन्होंने आपां देखिए. फर्स्ट की द शेफर्ड्स कैलेंडर द शेफर्ड्स कैलेंडर लास्ट एज एग्जाम के विच जिहड़ा लास्ट लंघ के गया 41-61 एग्जाम के विच ये जी डेट है ये पूछी गई सी क्लीयर. सो ये जी डेट है कन्फ्यूजन करने के लिए उन्होंने टू डेट्स ये वर्क दियाँ दे दी जी. वन यदि डेट दे दी गई सी सैकेंड फेरी क्वीन की डेट दे दी गई सी ठीक है. सो ये जी डेट है दैट इज 1579. सो मोस्टली जी मिसटेक हो गई स्टूडेंट्स तो कि उन्होंने 1579 नहीं लगाई थी जी फेरी क्वीन वाली है 1590 या 1589 भी माइंड के आया 1589 से उसे लिखा हुआ. सो वो जी लाइन है वो राइट कर दी गई. सो मोस्टली स्टूडेंट्स की यह मिसटेक आई सी.
नेक्स्ट जो सैकेंड वर्क है जो आप शेफर्ड्स कैलेंडर्स देखिए पेस्टोरल पोइम है पेस्टोरल ठीक है पेस्टोरल आप एक्सप्लेन कर देवे एक एज अ टर्म है पेस्टोरल सो पेस्टोरल पोइम्स जिद शेफर्ड किसी जगह पर वर्क कर रहे हैं वही गा रहे हैं सो दैट इज रिलेटड होंगी है शेफर्ड्स कैलेंडर ठीक है ये एज अ 12 मंथ्स के रिलेटड है 12 मंथ्स हर मंथ्स उन्होंने बड़े ही बैटर तरीके एक्सप्लेन किया शेफर्ड्स कैलेंडर के सो इस तरीके लर्न कर सकते हो कैलेंडर तो पता लग रहा है कि 12 मंथ्स में एक्सप्लेन किया गया है नैक्सट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिदे रिलेटड एज लास्ट एग्जाम क्वेश्चन आई है सिर्फ 41 गार्ड शेफर्ड्स कैलेंडर रिलेटड आया बट अदरस ठीक है एज 35-82 के दैन 899 जिहड़ा 93-92 का पार्ट से उहदे विच जिहड़ा दैट इज एज फेरी क्वीन दे नाल रिलेटड ही वर्क्स आए है सो फेरी क्वीन दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क फेरी क्वीन सो इहदे नाल रिलेटड आपां थोड़ा एज डिस्कस करांगे ठीक है सो इहदे विच की है इस तरह आ जाता कि हाउ मैनी बुक्स ही प्लैंड एक गल नोट कर लेना हाउ मैनी बुक्स द स्पेंसर प्लैंड टू राइट जे तो प्लैंड कह रहे हैं सो प्लैंड मीन्स प्लैनिंग की थी कल राइट नहीं की थी जे तो प्लैंड है दैन यू राइट 24 books दैन यू टिक द ऑप्शन 24 बट जो पूछता है हाउ मैनी बुक्स in the fairy queen then you write on the 6 books one question here and third question related to date fairy queen digit date 3 books he wrote in 1590 first three books he wrote in 1590 next three books in 1596 there is no any confusion एक बच्चों के मन के कन्फ्यूजन आती है कि उस क्वेश्चन के पीछे जो दोवें डेट्स हुई हैं 1590 एंड 1596 वन थिंग तो यह है कि बिल्कुल भी इस तरह की डेट नहीं आ सकती वो थ्री बुक्स लिखूगा कि फर्स्ट थ्री बुक्स ही रोट इन ही कंप्लीटेड इन लास्ट थ्री बुक्स ही कंप्लीटेड इन 1596 अदर डोमेन सो इस तरह की कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं लेके आनी आप फर्स्ट जो लैक्चर से जो बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਰਡਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ कुछ कुछ ना बच्चों की बड़ी ही प्रैपरेशन होती है बहुत ज्यादा घर तो तैयारी करके चले जाते बट उत्थे जाके एक अद्धा क्वेश्चन ही जिहड़ा इदां लगे कि भी एज डिफिकल्ट आ गया तो स्टार्टिंग हुई है 1 or 2 क्वेश्चन देखे या थर्ड क्वेश्चन देखे अपन फर्स्ट 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे बस फ्रस्ट्रेट हो गए तो मैं गरंटी देना जो उहदे विचों एज 10 स्टूडेंट्स अपीयर होए है तो 10 दे विचों एज 5 परसन है जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जबकि जो बाकी 5 है वो नहीं होंगे जबकि उन्होंने तैयारी जी जो फ्रस्ट्रेट हो गए उन्होंने ज्यादा गई तो उन्होंने तो सीट खुस जाती है कहीं तो खुशी है तुम एस वो काफ़ी स्टूडेंट्स तो हो गए कि काफ़ी इंटैलीजेंट है बट उ जाके जब क्वेश्चन रीड करते हैं एट दैट टाइम प्रैशराइज होके ठीक है आप कई क्वेश्चन स्किप कर देंगे सो बिल्कुल इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है जो कोई है भी है जो अपना वट्सएप ग्रुप है वो कोई भी कन्फ्यूजन है दैन वह मैसेज करो सो जे मैं थोड़ा बिजी हैं सो आफ्टर 1 or 2 days आई रिप्लाई बट रिप्लाई इट इज श्योर दैट आई रिप्लाई ठीक है सो आप वेलफेयर वर्क में जिदा थोड़ा कह रहे कर जा रहे हैं सो इस करके मैं एज जिस तरह आप बहुत ही वधिया तरीके एज कंप्लीट करना
सो जो भी कोई भी कंफ्यूजन आप पहले बिच नहीं रहने देंगे. सो दिस इज 24 बुक्स एंड 6 बुक्स. इनू एक्सप्लेन करना होगा देन 6 बुक्स रिलेटेड टू 6 नाइट KNIGHT 6 बुक्स नाइट. नाइट मीन्स जोधा, जोधन के नाल रिलेटेड है. क्लियर. सो जो फेरी क्वीन है जो सारे नालों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ. क्वीन ने डेडिकेट कर दी सी एलिजाबेथ पीरियड के. सो मोस्टली राइटर्स की थिंकिंग रही है कि वो हुण दे भी राइटर्स है उन्होंने उपर भी इस चीज़ का इफेक्ट हो ही जाता कि जो टाइम के उपर किंग या क्वीन है वह इफेक्ट उन्होंने उपर जाना ही है. सो फेरी क्वीन इन्होंने डेडिकेट की है टू एलिजाबेथ. एलिजाबेथ ने इन्होंने अवार्ड भी दिता वो एज सम टाइम्स सम बुक्स के लिखा कि 50 जो एज उतों की करंसी है सम 100 लिखा हुआ. सो जरा एज फेरी क्वीन दे इब्ज दे विच जिहड़ी है क्वीन ने रिवार्ड दिता सीगा क्योंकि इन्होंने ये उन्होंने डेडिकेटेड की थी. सो शेफर्ड्स कैलेंडर मैं बाद दे विच एक्सप्लेन करना चलो नाल दी नाल ही कर लेने आपा. सो जो शेफर्ड्स कैलेंडर है ये भी एज डेडिकेटेड है इन्होंने अपने फ्रेंड एज फिलिप सिडनी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी है काफ़ी बार कि एज जो शेफर्ड्स कैलेंडर है वो किसनों डेडिकेटेड है दैट इज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी. क्लियर. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वैल. सो नेक्स्ट वर्क है जो हम आप डिस्कस करते हैं. सो ये दोवें वर्कस की एज आप एक डिफरेंट जी वीडियो भी जी नैक्सट है जी मैं ये रिलेटेड ही बनाऊंगा एडमिन स्पेंसर ना. हम मेरी थिंकिंग ये है कि मैं इन्हें तो मटीरियल प्रोवाइड कराँ कि तुम्हें अदर बुक की लोड़ ना पवे. जे पैंती भी है तो तुम्हें एक तरह रिवाइज हो कि इदा लगे कि भी पहला यह साडा रीड किया वा. सो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए. सो इसलिए मैं डबल डबल वीडियो भी बनाऊंगा जिस तरह एडमिन स्पेंसर दी है एज फेरी क्वीन ते शेफर्ड्स कैलेंडर. इसनों एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक होर वीडियो बनाऊंगा. सो आप इन्हों होर डीपली एक्सप्लेन कर देवे जिथे हो सकता कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते वो पॉइंट्स ये आप डिस्कस करा. सो नैक्सट इज यदा एक सोनेट सीकुएंस. सोनेट सीकुएंस मीनस सोनेट्स की लड़ी से ठीक है. वो डिफरेंट डिफरेंट वो काउंटिंग है उस रिलेटेड क्वेश्चन ना ही बनता भी नहीं. सो वो डिफरेंट डिफरेंट सी काउंटिंग स्ट्रेंथ सी कि इन्ने कोई किन्ने कह रहे नंबरस है. सो इस करके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन बनता हूँ. सो वो आप फिर भी मैं इन ये दोबारा तो डिस्कस करूँगा. सो जो 6 बुक्स है कि 6 नाइट के नाल रिलेटेड है वो भी आप डिस्कस करा बहुत डीपली कोई एज बड़ी ही सोहनी ट्रिक बना के उसको आप डिस्कस कर लवेंगे. सो नैक्सट एज थर्ड वर्क है जोड़ा दैट इज एमोरिटी की है सोनेट सीक्वेंस. ये क्वेश्चन बन जाता होंगे कि वट इज एमोरिटी. बस इन्हें लिखता हो वट इज एमोरिटी बाय एडमंड स्पेंसर. क्वेश्चन तो थानू एक पॉइंट जरूर रखो कि जब तुम पढ़ते हो तो यह पता होना चाहिए कि ये कि क्वेश्चन जोड़े रेज हो सकते हैं कि क्वेश्चन है किस तरह बन सकता है जिम्मे एमोरिटी जो थले वर्कस दे देने फोर होने एज फेरी क्वीन द शेफर्ड्स कैलेंडर ठीक है. सो दैन वन अदर वर्क कोई दे देना एपिथैलमिया दे देना. सो दैन वो उपर लिख दूगा इट इज़ अ सोनेट सीकुएंस ऑफ एडमंड स्पेंसर. तो जो तुम्हें पता हो एमोरिटी दैन तुम टिक करोगे नहीं फिर वो इदा भी पूछ सकता है कि द एमोरिटी बाय द एडमंड स्पेंसर. बस थले करके उन्हें फोर ऑप्शन दे देने एक दे लिखा होगा एज सोनेट सीकुएंस एक दे लिरिक्स सीकुएंस. सो इस तरीके दे नाल बट तुसी उहदे विच की करना है सोनेट सीकुएंस. सोनेट सीकुएंस एमोरिटी है सोनेट सीकुएंस ये 1594 है जिहदी तुसी डेट भी राइट कर रहे हैं दैट इज 1594. जिन्ने भी वर्क है तुसी माइंड दे विच रख के चलो कि 90 तो स्टार्ट होंदे है 94, 95, 96 एंड वर्क 96. सो कंफ्यूजन के जिस तरह मैं कि ट्रिक याद करने हैं माइंड 9 वाली लाइन है जी दैट इज स्पेशल एडमंड स्पेंसर रिलेटेड बट सिर्फ एक वर्क में छड़ के दैट इज शेफर्ड्स कैलेंडर दैट इज 1579. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल. सो नैक्सट इज एमोरिटी जो सोनेट है इन्हों का एक नाल ही एक पार्ट बना दिता सीगा फिफ दैट इज की है एपिथैलेमियॉन. एपिथैलेमियॉन
इट्स अ पार्ट ऑफ सोनेट्स, बट ये सोनेट नहीं है, एक बेसिक कॉमन पोएम है, ठीक है, डेडिकेट की गई है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ये एज जो आप देखिए तो एज ये भी उन्हें जिस तरह एक गल है कि एज 12 कैलेंडर है 12 मंथ्स में एक्सप्लेन किया है, ये जो एपिथैलेमिया है उन्हें 24 आवर्स में एक्सप्लेन किया है। इसकी एक इंपॉर्टेंट थिंग की है कि ये डेडिकेट की गई है, मोस्टली वर्क्स है जो डेडिकेट किए गए, क्वेश्चन बढ़ता है कि फेरी क्वीन डेडिकेटेड टू वन क्वेश्चन, देन शेफर्ड्स कैलेंडर डेडिकेटेड टू, ठीक है, देन नेम उन्हें दे देने। सो इसी तरीके दे नाल एपिथैलेमिया भी है जिहड़ा दिस इज ऑलसो डेडिकेटेड टू एज एलिजाबेथ बॉय, एलिजाबेथ बॉय इंपॉर्टेंट है, वाइफ है भी। सो मैरिज सॉन्ग है, क्योंकि मैं तुम दस दिता कि एमोरिटी सोनेट है, एक सॉन्ग है, ठीक है, बट ये पार्ट एमोरिटी दी है, जिहड़ी बुक उन्हें एक तरह कंप्लीट कर दिती सी उहदे विच उन्हें 24 सोनेट्स राइट किए, ठीक है, सो नॉट सॉरी 24 नहीं सोनेट्स, सो सीक्वेंस है 88 सोनेट्स का, सो बट उहदे विच जिहड़ा पार्ट है वह सोंग है एक विच उन्हें एड किया लास्ट दे विच जाके, दैट इज एपिथैलेमिया, जिहदे विच उन्हें 24 आवर्स नूं एक्सप्लेन किया, उहदे विच उन्हें अपनी वाइफ की मैरिज का डे तो लेके जिहड़ा नैक्सट डे है उहदे तक के जिहड़े आवर्स है उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि वह काफ़ी एज उन्होंने नाल अटैच सीगे, ठीक है, उन्होंने बाद दे विच डैथ भी हुई है दिस ईयर, सेम ईयर ही उन्होंने डैथ हो गई सी 94 दे विच। नैक्सट वर्क इज परोथैलेमिया, इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू पर्सन एस जिदा मैं तुम्हें कहा कि इसका लास्ट ईयर तुम रख सकते हो 1596 दैट लास्ट दैट इज 1596 टू वर्क ही रोड दिस सेम डेट, ठीक है, वन इज दिस, सेकेंड इज अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो पैम्पलेट है वो भी मैं इतने राइट कर दूंगा आफ्टर रेज इट। सो दैन परोथैलेमिया ये भी एक ऐस पोएम है जिड़ी इन्हें डेडिकेटेड की थी टू लेडीज, ठीक है, वो कौन सी, दे आर द डॉटर्स ऑफ अर्ल ऑफ वर्चेस्टर, अर्ल ऑफ वर्चेस्टर अपने माइंड के नेम रख लेना, मैं लेडीज के नेम दो लिख देना किड़े किड़े है, फर्स्ट इज एलिजाबेथ Somerset, second is Catherine, Catherine Somerset, 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 Catherine Somerset and Elizabeth Somerset, so two है, so अपने mind दे विच इन्हां दे name रख लेना, so ये daughter सी गया, the Earl of Worcester, the Earl of Worcester दी जिहड़ी है daughters है उन्हां नूं इन्हें डेडिकेट की। सो इस तो बाद आई थिंक जिहड़ा लिखण दे लिए प्लेस है जिहनूं आपां रेज कर दिंदे हां, सो आफ्टर इट जिहड़ा एक वर्क रह गया जिहड़ा इंपॉर्टेंट अ व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। सो नैक्सट एज जिहड़ा अगे आपां पॉइंट जिहड़ा वर्क करन जा रहे मैं तुहानूं ऑलरेडी डिस्कस कीता है कि जिहड़ा एज ए वर्क है ते परोथैलेमिया है वो दोवें वर्क्स है जिहड़े सेम डेट है 1596 इन्हें एक तरह लास्ट डेट भी मान के तुम रख सकते हो। सो कि वर्क है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैम्फलेट है, अदरस आर पॉइंट्स बट इट इज़ अ पैम्फलेट, सो कुछ कुछ के जो राइटर्स है उन्होंने पैम्फलेट्स भी राइट किए हुए, सो वो भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे आर डिफरेंट थिंग, ठीक है, आप एक जो राइटर है वो पॉइंट्स लिख रहे हैं बट कुछ आफ्टर सम टाइम ही रोट अ पैम्फलेट, ओनली वन पैम्फलेट, देन दैट इज कॉमनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एज दिस इज द pamphlet a view of the a view of the present state a view of the present state of Ireland,
is the data, that is 1596. This is the pamphlet. ठीक है, so pamphlet करके ये जिधर इस करके ये है important बन जाता है कि ये different है pamphlet. So जिधर मतलब हम as पहला पॉलिथेलमिया की तरह जिधर वो ladies to the name दे रिलेटेड सी का Elizabeth Somerset ते as second is Catherine Somerset. So वो जिधर ये ladies सी की हैं उन्होंने father का नाम भी please note कर लियो. Okay, Earl of Worcester इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो एक ये पॉलिथेलमिया दे नाल रिलेटेड सीरा सी लास्ट ते वर्क कीता 1596 वाला जेडिया और टू लेडीज है उनन दा जेड़ा फादर है ओदा नेम है अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर. सो इस करके एक वन मोर थिंग जेडी मैं तुहानू इंपॉर्टेंट दसनी चाहना, दैट इज एज जदा आपा स्टार्टिंग दे विच ही कीता सी कि स्पेंसेरियन सोनेट एंड स्पेंसेरियन स्टैंजास. सो स्पेंसेरियन जेड़ा सोनेट है Spenserian sonnet काफी important है क्योंकि अपन starting दे विच ही discuss किया सी sonnets दे विच Spenserian sonnet, Shakespearean sonnet and Petrarchian sonnet. तीन sonnets दिया kind है most important है. so इन्हें दी जिधि as a rhythm scheme है, ठीक है, rhyme scheme है वो mostly आ जाती है कि ये दी जिधि rhyme scheme है वो की है. so जिधर Spenserian sonnet है ये दी जिधि scheme है वो की है A B A B A B B C B C C D C D E E. so this is the rhyme scheme of the Spenserian sonnet. A B A B B C B C C D C D E E. so last couplet, you know, here couplet means two lines couplet. so couplet है, so ये भी question बन जाता है कि जेड़ा as sonnet है जेड़ा last part है वो की है couplet, क्योंकि as Shakespearean sonnet है जेड़ा उधर भी जेड़ा last है that is couplet है उधर भी की है A B A B C D C D E F E F लास्ट ते इटा डबल है वो G G है. सो ये अपने माइंड दे विच रख लेना, ये दोनों दे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है कि एज जेड़ा स्पेंसेरियन सोनेट है ओदी जेड़ी एज लास्ट राइम स्कीम है वो की है. सो इदे वास्ते एज स्पेंसेरियन सोनेट एक स्पेंसेरियन स्टैंजा भी है जिदे विच आपा ऑलरेडी स्टार्टिंग दे विच ही गल कीती है कि जेड़ी फेरी क्वीन है जेड़ी फेरी क्वीन जेड़ी ने पोएम राइट कीती है लॉन्ग लिरिक है वो कादे विच लिखी गई हो दैट इज नॉट अ सोनेट वो एक लिरिक है बट वो स्पेंसेरियन स्टैंजा दे विच लिखी गई है. स्पेंसेरियन जेड़ा स्टैंजा वो की है 9 लाइन. स्पेंसेरियन स्टैंजा जेड़ा वो की है 9 लाइन स्टैंजा. ठीक है, स्पेंसेरियन यही है. ठीक है, स्पेंसेरियन स्टैंजा लिखे इस चीज नो नोट करना, जिस सोनेट आउंदा वो चीज डिफरेंट है जे स्टैंजा ऑन द टाउ दैट इज डिफरेंट. सो एक किन्ने लाइन है, दिस इज एज 9 लाइंस. किन्ने लाइंस? 9 लाइंस. ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर. फर्स्ट 8 इधर मैं राइट कर रहा हूं, दिस नहीं रहा होना. सो फर्स्ट 8 है जेडी है दैट इज फर्स्ट 8 lines in iambic pentameter. iambic pentameter, clear? so ये iambic pentameter इधर लिखी आप as जब as terms रूम discuss करांगे वो तो मैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके नाल explain कर दूंगा कि ये iambic pentameter. अंडरस्टैंड? सो ए दे विच की है ए 9 लाइन द फर्स्ट 8 है आयम्बिक पेंटामीटर, देन जेडी लास्ट 9 है वो की है अलेक्जेंड्रियन. वो लाइन एक डिफरेंट ओदे ऊपर हेक्सामीटर यूज कीता जांदा, सो भी आपा एज उस टर्म दे टाइम ते उस नु डिस्कस कर लवांगे क्योंकि सम टाइम्स पता नहीं पैटर्न थोड़ा चेंज हो के आ जाए.
सो लाइंस दी अकाउंटिंग वगैरह कुछ दे रहे हैं, सो इस करके दैट इज इंपॉर्टेंट। हुण वन थिंग मोर आई डिस्कस विद यू कि केड़े केड़े जेड़े क्वेश्चन है वो इस इहदे विच विचों एडमंड स्पेंसर दे विचों क्वेश्चन पेपर्स दे विच आए हुए हैं। सो इस करके जेड़ी अपनी नैक्सट वीडियो है आई थिंक टाइम एज शॉर्ट रखी है, पर जिन्ना क आप एज देख सकन अच्छे तरीके नाल तुसी देख सको, बोरिंग ना फील करो। सो उहदे विच की है वो आप लास्ट दे विच जेड़ा अगली नैक्सट वीडियो आ रही है जिहदे विच मैं शेफर्ड्स कैलेंडर ठीक है जेड़ा किसी डेडिकेटड सी फिलिप सिडनी डेडिकेटड सीगा ठीक है उहनू एक्सप्लेन करूँगा, तो एज फेरी क्वीन किनू डेडिकेटड सीगी एज एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ नू डेडिकेटड सीगी उहनू एक्सप्लेन करूँगा, पर ओथेलमिया किनू डेडिकेटड सीगा एज एलिजाबेथ सोमरसेट एंड कैथरीन सोमरसेट नू सीगा ठीक है, जी पेस्टोरल एलिजी सीगी इहदी उह किनू सीगी एज ओ फिलिप सिडनी नू सी। सो इस करके आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द एडमंड स्पेंसर वेरी वेल। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैन जिहड़ा अपना वट्सएप ग्रुप है मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन दे विच दे देवांगा ग्रुप दे विच, ते उत्थों तुसीं सानूं ऐड कर ऐड हो सकते हो जिहड़े नहीं, बाकी मोस्टली तां स्टूडेंट्स ऐड ने। सो उत्थे तुसीं कोई भी कन्फ्यूजन है दैन दैट मैनशन देयर दैन विद इन वन और टू डेज आई रिप्लाई ठीक है। सो इस करके अगेन थैंक्स, जिहड़ी लास्ट वीडियो तुसीं नूं बहुत ही एप्रीशिएट कीता, सेम एज इस वीडियो नूं भी लाइक करियो ठीक है, ते दैन माय चैनल सबसक्राइब करियो, सो ताकि आप एज मैन मोटिवेशन मिलती रहे ते आप नैक्सट वीडियोज़ नूं मैं वधिया और भी तरीके दे नाल बनाउण की कोशिश कर सकां। थैंक यू वेरी मच।